नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, मंडल स्तर पर सफलता मिलने के बाद अभ्युदय योजना को जिले स्तर पर किया जाएगा लॉन्च। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन द्वारा 1920 करोड़ की लागत से बनाए गए 27 उपकेंद्र सीएम योगी ने किया लोकार्पण। योगी सरकार का राम भक्तों को बड़ा तोहफा, रामायण के पहले संस्करण का हुआ प्रकाशन, महाकोश के ई बुक के रूप में भी किया गया लॉन्च। और 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा, ताजमहल समेत सभी स्मारकों में निःशुल्क होगा महिलाओं का प्रवेश। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1920 करोड़ की लागत के 220/132 और 132/133 केवी के 27 उपकेंद्रों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के नए पारेषण उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान रमा शंकर सिंह पटेल जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा त्यालोक सिन्हा जी, चेयरमैन सीएम देवराज जी, प्रबंध निदेशक सेंट्रल पांडियन सी जी और उपस्थित आज यहां पर मेरे साथ मुख्यालय में उपस्थित अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉ महेंद्रनाथ पांडे जी, राज्य मंत्रीगण श्री संजीव कुमार बालियान जी, माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, चौधरी उदय भान सिंह जी, विजय कुमार कश्यप जी, रविन्द्र प्रताप सिंह जी, सभी मान्य सांसद और विधायकगण, पावर कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले पावर कॉरपोरेशन को प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के दौरान किए गए 72 प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज एक साथ प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप 27 नए पारेषण उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, जिनकी लागत 1920 करोड़ है, इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और उनकी जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं के अनुरूप इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं, जिसमें 220 केवी क्षमता के 2 तथा 132 केवी क्षमता के 9 उपकेंद्र शामिल हैं, ये प्रदेश के जनपद बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, मिर्जापुर, लखनऊ, वाराणसी, फतेहपुर और गोंडा में इनकी स्थापना हुई है। इनके निर्माण में कुल 571.57 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही 220 क्षमता के 10
और 132 केवी क्षमता की 6 पारेषण केंद्र भी आज यहां पर इनका शिलान्यास संपन्न हुआ है। ये केंद्र हैं लखनऊ, झांसी, फर्रुखाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, महाराजगंज, भदोही, फिरोजाबाद, बस्ती, बांदा, बागपत, कुशीनगर। इनकी कुल लागत है रूपये 1,347.91 करोड़। इन परियोजनाओं से प्रदेश के लगभग सभी हमारे जो कमिश्नरी हैं ये सभी इससे लाभान्वित होंगे और हम इस बारे में कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि विगत 4 वर्ष के दौरान ये हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि बिना भेदभाव के विद्युत की आपूर्ति। वहीं 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण का सस्पेंशन बहाल कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। आइए ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन जी के पास, जो इस मामले में विस्तृत जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण का सस्पेंशन बहाल कर दिया गया है, जिन्हें 13 माह पहले निलंबित किया गया था। बताते चले कि आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण का सस्पेंशन बहाल कर दिया गया है, जिन्हें बीते 13 महीने पहले निलंबित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस सस्पेंशन को अब बहाल कर दिया गया है। वीडियो वायरल होने का यह मामला था, उस दौरान 13 महीने पहले सरकार की तरफ से आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण को बहाल निलंबित किया गया था। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हम आपसे इस मामले में विस्तृत रूप से जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से ये सस्पेंशन को बहाल किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट हुआ था ये उत्तर प्रदेश पुलिस में, और उत्तर प्रदेश में बहुत ये पहली बार एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें एक गुटबाजी हो गई जी। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूं कि एक ईमानदार व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी की सजा मिलती है जी। उस ईमानदार व्यक्ति को कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन की जी, तो फिर पुलिस प्रशासन ने जो है कहीं ना कहीं जब उस पर स्टेप उठाना चाहा जी। किसी खास तौर से एक पूरा नेक्सस को तोड़ा गया नोएडा के अंदर, खासतौर से इस नेक्सस को तोड़ा गया। उस नेक्सस में उन्होंने जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी, कई पत्रकार, एक पुलिस इंस्पेक्टर, उसके अलावा कुछ उनके खुद के डिपार्टमेंट के लोग शामिल थे एक नेक्सस में। उस नेक्सस को तोड़ा गया। उस नेक्सस को तोड़ने तक सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस व्यक्ति ने तोड़ा उसी व्यक्ति का नाम जो है आने वाले समय पे एक दूसरे मामले में उस व्यक्ति को कॉन्ट्रोवर्शियल एक सीन में डाल दिया गया, और वैभव कृष्ण उसी व्यक्ति का नाम है। एक ईमानदार छवि के पुलिस ऑफिसर हैं, एक ऐसा बैकग्राउंड है जो कि एक ऐसे साधारण परिवार से आते हैं, जिस परिवार में जिसमें कभी कोई लाज लपेट नहीं रहा। तो उस परिवार में खासतौर से अगर मैं बात आपको करते चलूं तो उसमें कोई जिस तरह से आप एक अधिकारियों के एक पूरे परिवार को देखते हैं कि जिसमें वो कोई बहुत बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं, वो अपने घर को भर देते हैं पैसे से, रुपये से, रिश्वत से, ऐसी कोई चीज भी वैभव कृष्ण जी के परिवार साथ नहीं मिली। वैभव कृष्ण की जो धर्मपत्नी है वो भी एक क्लास वन ऑफिसर है। वो तो बड़ी बात निकल के आई वैभव कृष्ण के एपिसोड के बाद, वो ये निकल के आई कि कोई व्यक्ति अगर एक पूरे नेक्सस को तोड़ना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार को तोड़ना चाहता है, तो उसको देखिए किस हद तक उसको परेशान किया सकता है। लेकिन हम कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। ऐसा ही हुआ वैभव कृष्ण जी के साथ, और उनको एक समय के बाद उनका सस्पेंशन रिवोक किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार में और उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से बयान भी आया है कि देखिए उनको बहुत जल्द पोस्टिंग भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक सफलता मिली है और सत्य की जीत हुई है, और हम सब शुभकामनाएं देना चाहेंगे वैभव कृष्ण जी को कि आने वाले समय पर उनकी अच्छी पोस्टिंग हो और वो फिर से ईमानदारी के पथ पे चले जैसे वो पहले चलते थे। जी जी सर, हम जानना चाहेंगे 13 महीने का लंबा वक्त लगा है, लेकिन इसके बाद जैसे कि आपने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, किस तरह से देखते हैं आप इस जीत को?
देखिए निश्चित रूप से मैं आपको बताते चलूं कि मैं अपने पूरे टेन्योर में जो मेरा अभी जर्नलिज्म का चल रहा है, मैं बहुत कम ऐसे अधिकारियों से मिला हूं जो ईमानदारी की का ढोंग भी करते हैं और खासतौर से जो ईमानदार रहते भी नहीं। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताते चलूं, ये व्यक्ति वो था जिसने ईमानदारी का ढोंग कभी नहीं किया, जिसने ईमानदारी को पहले दिन से निभा, ईमानदारी को अपने पूरे प्रोफेशन में पूरी तरीके से पारदर्शिता से उसको अप्लाई किया। मैं खुद बताऊं आपसे कि अगर आप उनके सबसे करीबी भी व्यक्ति क्यों ना हो और अगर आपने कुछ गलत किया तो ये उनको भी नहीं बख्शते थे। मेरा वैभव कृष्ण जी के साथ 3 बार मैं उनके व्यक्तिगत काम को मैं देख पाया, जब वो बाराबंकी में एसपी थे, इटावा में एसपी थे और फिर गाजियाबाद में और फिर उसके बाद से वो नोएडा में जब आए। तो एक बड़ी बात थी, देखिए हम लोग आमतौर से मीडिया जो है ना वो किसी खबरों को देख करके अपनी प्रतिक्रिया देती है या किसी से सुन करके प्रतिक्रिया देती है। मैंने इनके वर्किंग प्रोसीजर को खुद महसूस किया और मैंने देखा एक ईमानदार छवि का व्यक्ति है, सुबह से लेकर रात तक वो व्यक्ति काम करता है। हाँ, बस एक कमी उस व्यक्ति के अंदर थी, राजनीतिक संरक्षण उस व्यक्ति का कोई नहीं था। उस व्यक्ति का साथ किसी भी जो भी बहुत जो प्रभावशाली लोग होते उनके साथ वो उठना बैठना नहीं करते थे, बहुत सोशल नहीं थे, सिर्फ अपने काम के लिए और अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ उनका एक जबरदस्त तालमेल था। वो उनके साथ वो तालमेल रखते थे और अपने ऑफिसर्स को वो अपनी टीम अपनी फैमिली मानते थे। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के साथ जब ऐसी घटनाक्रम होती है तो शायद ये यही सबक था कि उनको मिला कि अगर उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने काम को करना चाहा तो उसके साथ कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ छींटे दाग के आए, लेकिन वो दाग ही नहीं हुए, वो दाग के छींटे जरूर पड़े और उस दाग से कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो निकल करके आप बाहर आ चुके हैं और एक नई शुरुआत करेंगे और उसी तीव्रता और उसी पूरे जोश के साथ जो जोश उनका पहले तो हम लोग को देखने को मिला था इटावा में, जो मुझे देखने को मिला था खासतौर से उससे पहले दिन की पोस्टिंग रही है, लेकिन इटावा, बाराबंकी, गाजियाबाद और नोएडा में जो देखने को मिला था, आगने वाले समय पर अगर उनको कोई ऐसी पोस्टिंग मिलती तो हमें फिर एक उम्मीद होगी उनसे उसी ईमानदारी के पथ पर, उस व्यक्तित्व की, वैभव कृष्ण की, जो हमने पहले देखा था, अब आगे भी वो उसी प्रकार से रहेंगे। जी सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 13 महीने के बाद प्रदेश के आईपीएस अधिकारी को निलंबित करने के बाद एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है मनोहर, हम तो आए थे तुमसे गपशप करने के लिए, मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया अपना क्या है, बस छोटू की नौकरी लग जाए, समझो गंगा नहा गए। आज उसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। पढ़ाई में बहुत अच्छा है लड़का। बच्चों की फिक्र तो रहती है, अब तो कई साल हो गए जब मेरे बड़े वाले बेटे को नौकरी मिली थी, तो ऊपर से दान बच्चों का भी इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर बड़े को नौकरी मिली थी। मनोहर, बिना जो जुगाड़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, मेरी नौकरी लगी। नमस्ते अंकल। अशोक माँ, देखा जगदीश भैया, अब दान दक्षिणा से नहीं, योग्यता के आधार पर काम हो रहा है। ऐसे बात और थी, लेकिन अब यूपी की बात ही अलग है। जी हाँ, अब यूपी की बात ही अलग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है। कम दमदार योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय गोल्ड जिम, जहां आपके फिटनेस का रखा जाता है खास ध्यान। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही फिटनेस की दी जाती है 100% गारंटी, जो आपको सालों साल तक रखे फिट। लड़का लड़की हर कोई जा सकता है गोल्ड जिम। गोल्ड जिम आपको करवाता है वर्कआउट, एक्सरसाइज, योग, कार्डियोलॉजी, एथलेटिक्स और साथ ही देता है फिटनेस ट्रेनर, हाइजीन सामान के साथ। तो इन सभी लाभ को उठाने के लिए आप लोगों को अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर अपने दिमाग, दिल और शरीर को फिट रखने के लिए जाना होगा गोल्ड जिम। तो देर किस बात की, आज ही जाइए गोल्ड जिम। मोर पेन के साथ मोर गेन।
गोल जिम करता है आप लोगों से वादा। एचपीओ होम अफेयर्स ने जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स रखे हैं उन सबका पालन करते हैं। हमारे गेट पर या हमारे फ्लोर पर जगह जगह सैनिटाइजेशन स्टेशन हैं। हमारे मेंबर्स मास्क पहन के एक्सरसाइज करते हैं और हम उनका रेगुलर टेम्परेचर चेक्स भी लेते रहते हैं आने और जाने के दौरान। तो उन सब चीजों का हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखा है और पूर्णता पालन कर रहे हैं। हमारा पता है SRS हेल्थ एंड फिटनेस LLP UGF 213-218 रोहतास KS ट्रीडेंट 10 राणा प्रताप मार्ग अपोजिट NBRI लखनऊ। हमारा पिन कोड है 226001। हमारा फोन नंबर है 9129663888। हमारी ईमेल आईडी है www.goldgymindia.com। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय संस्कृति और दुनिया भर के राम भक्तों को योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। जी हां, आपको बता दें कि रामायण के विश्व महाकोश का पहले संस्करण का जानकी नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया। इस विमोचन कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर अखिलेश मिश्रा समेत देश और दुनिया के कई विद्वान भी मौजूद रहे। बता दें कि महाकोश को ई बुक के रूप में भी लॉन्च किया गया है। रामायण विश्व महाकोश के पहले संस्करण का अंग्रेजी भाषा में विमोचन हुआ। अब एक महीने बाद हिंदी और तमिल भाषा में इसके पहले संस्करण का प्रकाशन किया जाएगा। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में जिन सात पवित्र नगरियों को हम सात पुरियों के रूप में मानते हैं उनमें से तीन तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। अयोध्या है, मथुरा है, काशी, ये तीनों उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू धर्म की आत्मा यहां निवास करती है और उसके नाते ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े हुए किसी ऐसे विश्वकोश के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए किसी कार्यशाला का आयोजन हो और उस कार्यशाला के माध्यम से हम उसकी एक रूपरेखा तैयार करके फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें। आज के दिन पर यह बहुत आसान है, बहुत सहज भी है, सरल भी है। टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर चुकी है कि हम एक जगह बैठ करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस प्रकार के लोगों को चिन्हित करना, उस प्रकार के लोगों के साथ फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, यह एक महती कार्य उनके सामने होगा और एक बहुत बड़ा अभियान है। यह अभियान न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी जानकारियों को देगा। हम लोगों ने तो जब मैंने अयोध्या शोध संस्थान को इस बात की जिम्मेदारी दी थी दीपोत्सव के बाद कि प्रयास होना चाहिए कि किसी न किसी देश की रामलीला बाहर के, यानी भारत की तो रामलीलाएं आएंगी ही आएंगी, लेकिन दुनिया में भी रामलीला कहां कहां पर है और किस रूप में वे रामलीलाओं का आयोजन करते हैं। तो रामलीलाओं के उन कार्यक्रमों का मंचन अयोध्या में हो, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि देखा चार वर्षों के दौरान तमाम देशों की रामलीलाएं अयोध्या आई और अयोध्या में उन्होंने अपना मंचन दिया। उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जब भी अयोध्या का कार्यक्रम होता था या तो अयोध्या में रहता था, अयोध्या नहीं जा पाता था तो मैं उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में बुलाता था, उनका सम्मान भी करवाता था कि उन्होंने भारत के बारे में बहुत जानकारी हो या न हो लेकिन राम की संस्कृति के साथ जुड़ करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के साथ उनका श्रद्धा भाव आज भी उसी विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे याद है मैं एक बार कंबोडिया गया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कहते हैं कसौटी के पत्थरों से बना हुआ मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। कॉम्प्लेक्स ही अंकोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। केवल मंदिर मंदिर हैं, सैकड़ों की संख्या में। तो जो मुख्य मंदिर है वो अंकोर वाट का, वह भगवान विष्णु का मंदिर है। अंकोर विष्णु को कहते हैं, वाट मंदिर को। तो कंबोडिया में जब अंकोर वाट के मंदिर में मैं गया तो मैंने देखा कि मंदिर के जो पत्थर हैं, कसौटी के पत्थर, उनमें चित्रों के माध्यम से पूरी रामायण को उकेरा गया था। रामायण के चित्रों को, महाभारत के चित्रों को उकारा गया था। पूरे मंदिर के
क्षतिग्रस्त हुआ है मंदिर, लेकिन भगवान विष्णु की लगभग 12-15 फुट ऊंची प्रतिमा वहां अभी भी है। बहुत सारी चीजें वहां आती हैं, वहां के पर्यटन का मुख्य वहां की आय का मुख्य जरिया तो पर्यटन है, और अंकोर वाट मंदिर और अंकोर कॉम्प्लेक्स वहां की आय का मुख्य जरिया बनता है। तो मैं एक जगह खड़े होकर के वह देखने लग गया। वह दृश्य था जब हनुमान जी लंका दहन करके अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र की तरफ छलांग लगाते हैं। मैं वो दृश्य देख रहा था, तब तक मेरे सामने एक गाइड आया, वहीं का था। आप जानते होंगे गाइड बहुत पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो भी सामान्य जानकारी उनको होती है। तो वो मेरे सामने आया तो उसने मुझसे कुछ जिज्ञासा की कि क्या मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है। उसने कहा ये गॉड मंकी है। तो मैंने कहा गॉड मंकी कौन है, कहां से है, क्या है। तो उन्होंने कहा वही लंका को जलाने के दृश्य को बताने लग गया मुझे। फिर तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं भाई, आग तो लगा दी उन्होंने, अब क्या है। उन्होंने कहा नहीं, अब अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में कूद रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आप हिंदू हैं। तो मैंने कहा ये हिंदू ही तो हनुमान जी के बारे में जाने का। मैंने उसको कहा, मैंने कहा गॉड मंकी का नाम हमारे यहां हनुमान कहते हैं। उसने कहा हां हनुमान। तो मैंने कहा आप इनको जानते हैं क्या, आप हिंदू हैं क्या। उसने इस बात को कहा कंबोडिया के अंदर। उसने कहा देखिए मैं हिंदू नहीं हूं, मैं बौद्ध हूं, लेकिन हां बौद्ध की ओरिजिन हिंदू है, हिंदू से ही वह आया है, हिंदू से ही पैदा हुआ है। कंबोडिया में एक सामान्य 8वीं तक की शिक्षा जिसने प्राप्त की हो, 20 साल का वह युवक जब मुझे रामायण के उस चित्र को बताता और हनुमान जी का दृश्य सामने आता है, वो मेरे सामने इस बात को वहां पर इस रूप में व्यक्त करता है। हम यहां उपासना विधि को लेकर के विवाद खड़ा करते हैं, हम यहां छोटी छोटी बातों को लेकर के एक वितंडा बात खड़ा करते हैं, और हरेक व्यक्ति के मन में एक खुरापात घूमती है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण जोड़कर जोड़ने की बजाय कैसे हम तोड़ करके इस पूरी परंपरा को खराब कर सके। लेकिन वहां बैठा हुआ एक व्यक्ति जो न जाने कितने लोगों को प्रतिदिन वहां पर अंकोरवाद मंदिर के उन दृश्यों के बारे में अवगत कराता है, अपनी स्वयं की आजीविका को भी चलाता है, देश की आर्थिक उन्नयन में भी योगदान देता है, लेकिन वहां उसको यह मालूम है कि वह बौद्ध है, लेकिन बौद्ध होने के साथ साथ उसे यह भी मालूम है कि बौद्ध की ओरिजिन क्या है। और वह निसंकोच इस बात को अंकोरवाद में रह करके बोल सकता है, व्यक्त करता है। आप भारत के अंदर इन शब्दों को बोलेंगे तो यहां पे बहुत सारे लोगों की सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो जाएगा। ये सेकुलरिज्म जो शब्द है ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके वहां पर प्रस्तुत करने में। तो सबसे बड़ी बाधा है वह यही है, और मुझे लगता है उससे उभर करके हमें बहुत शुद्ध सात्विक और स्वस्थ मन से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने होंगे। उस समय मैंने इस बात को कहा था भी इंसाइक्लोपीडिया और रामायण के बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए। रामलीलाओं के आयोजन हो रहे हैं, अब अब तो रूस से भी रामायण रामलीला का मंचन, रूस की भी टीम आई थी, लाओस से, कंबोडिया से, इंडोनेशिया की तो खैर फेमस है ही रामायण रामलीला, उनकी अपनी बहुत विश्वविख्यात रामलीला इंडोनेशिया के अंदर है। तो विमोचन कार्यक्रम में कंबोडिया दौरे का जिक्र करते हुए सीएम योगी, जहां उन्होंने युवक की बात बताई, कहानी सुनाई, किस तरह से एक बौद्ध धर्म को पालन करने वाला हिंदुत्व के भगवानों का जिक्र कर रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।